हरियाली चेवड़ा पकोड़ा, अज्जा, बेसन 300 ग्राम, चेवड़ा आधा कप, लहसुन पेस्ट एक खाने का चम्मच, प्याज चॉप्ड एक अदद, लाल मिर्च पाउडर एक खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर एक चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर एक चाय का चम्मच, हरा धनिया चॉप्ड आधी गड्डी, हरी मिर्चें चॉप्ड 2 से 3 अदद, तेल फ्राई के लिए, नमक हसबे जायका। तरकीब: बेसन, लहसुन पेस्ट, प्याज, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हरा धनिया, हरी मिर्चें और नमक को एक मिक्सिंग बोल में डालकर हसबे जरूरत पानी के साथ गाढ़ा बैटर तैयार कर लें। आखिर में चेवड़ा शामिल करके मिक्स कर लें। पैन में तेल गरम करें और पकौड़ों को दरमियानी आंच पर फ्राई करके टिश्यू पेपर पर निकालें ताकि इसका सारा ऑयल जज्ब हो जाए। सॉस या चटनी के साथ सर्व करें। अस्सलाम वालेकुम, वॉल्स क्रीमी डिलाइट विद शेफ गुलजार, फूड स्टेशन विद शेफ गुलजार के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। और जैसा कि आपने अभी तक हमारा साथ दिया, हमारे साथ रहे, बहुत ही मज़े की बातें हुई, बहुत सारी कॉल्स आईं और बहुत सारी फरमाइशें जो है ना वो आप लोगों की मुझे मिली हैं। इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते हम उसको पूरे करने की कोशिश करेंगे और रेसिपी जो है वो क्या बनने वाली है ये भी आपको बताएंगे। और हम मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्त हमारे मेहमान हैं और ये समर टीवी की जान है और आन है और दिल का पैगाम है। ये बहुत सारी चीज़ें, मुझे वैसे इतने अच्छे अल्फाज नहीं आते लेकिन मैं जो मेरे कोशिश की है, मोहम्मद शुएब मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, कैसे हैं सर? जबरदस्त। शुएब माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सा प्रोग्राम आपका एक होता है जो सुबह सुबह लोगों को बड़े अच्छे अच्छे मुस्कुराहट के साथ आप न्यूज़ देते हैं लोगों को। लेकिन अब सब कुछ ग्रैस्प कर लिया आपने। तो वो सारी चीज़ें करते हैं, काफ़ी सुबह सुबह उठना पड़ता है, तो अब तो आपको मुश्किल ज़्यादा नहीं होती होगी इसलिए कि अब आप शहरी में उठते होंगे। yes. और उसके बाद सोते नहीं होंगे आप फिर? उसके बाद सोते नहीं है, बिल्कुल। सब जल्दी ऑफिस आ जाते हैं और रूटीन हमारी शुरू हो जाती है और अब इनकी छुट्टी हो गई है। लेकिन यहाँ पर आपके साथ बहुत एक्साइटेड था मैं। अच्छा, कि सीखें इसलिए नहीं कि मैंने घर जाके बेकिंग को बना के देनी है, वैसे ही सीखने जा रहे हैं। वैसे ही सीखने जा रहे हैं। लेकिन ये कि घर वालों को मैं बता दूँ कि जो यहाँ आता है उससे आप इतनी उसको नो हाउ हो जाती है कि उससे आप फरमाइश कर सकते हैं कि यार शुएब ठीक है, रास्ता दिखा दिया आपने। तो आज आप क्या बनाएंगे? जी आज मैं बनाने जा रहा हूँ चेवड़ा पकोड़ा। जबरदस्त, इट्स अ न्यू डिश। पकोड़े तो आपने बड़े खाए होंगे। yes. ये चेवड़ा जो होता है, ये हम कच्चा चेवड़ा जिसको कहते हैं, ये आपको मिल जाता है ड्राई फ्रूट वाले की दुकान सही? पर उससे बनाए पकोड़ा, तो ये पकोड़ा बेचारा बड़ा क्रिस्पी करंची और मजेदार पकोड़ा जो है वो तैयार होगा। और थोड़ा सा आइडिया भी है, थोड़ा सा आप लोगों को एक नया जो है फॉर्मूला मिलेगा इसको बनाने के लिए। चेवड़ा दो तरह का होता है, तो इसमें नमकीन चेवड़ा एक नहीं, कच्चा चेवड़ा। कच्चा चेवड़ा, हाँ आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये असल में कुक होने से पहले का चेवड़ा है। सही, जब ये अभी इसको पकाया नहीं गया, ये वाइट वाइट है। आपने निमको वाले की दुकान पे देखा होगा, वो पीले पीले कलर का चेवड़ा होता है, वो रोस्टेड है शायद, उसमें नमक और हल्दी और बाकी चीजें मिली हुई होती है और रोस्टेड हुआ हुआ। सही, ये कच्चा चेवड़ा होता है, इससे हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इसका पकोड़ा बनाया जाए। क्या बात है, मतलब मैं बातें बनाऊंगा और आप पकोड़े बनाएंगे। तो शिव कोई दिलचस्पी कुकिंग वगैरह से है तो सही, ठीक है, कभी कुछ ऐसा बनाया हो जो लोगों ने कहा हो कि भाई खुद ही खा लो, मैं तो नहीं खा रहा। ऐसा बहुत दफा हुआ लेकिन चले उस बात को हम हजफ कर लेते हैं। या कोई ऐसा खाना बनाया जो लोगों ने खाया हो, कहा यार वाकई मजा आ गया। अच्छा वैसे अब आपने जिस तरह आज कहा पकौड़े बनाने, चाट मैं बनाता हूँ घर में अक्सर बना लेता हूँ, तो मुझे मेरी अम्मा भी कहती थी और मेरी वाइफ भी कहती कि आप चाट बहुत अच्छी बनाते हैं। अच्छा ठीक है, मैंने कहा इसका मतलब ये कतन नहीं है कि रोज चाट मैं बनाऊंगा, चाट आप ही बनाएंगे। आप ही बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है कि इफ्तार के टाइम में जैसे 5 रेसिपीज बन रही है, पकौड़े, चाट, आलू, ये वो, उसमें से कोई एक आध रेसिपी आप भी बनाते हैं? नहीं, रेसिपी तो नहीं, आई जस्ट हेल्प आउट। फ्रूट काट दिया, बर्तन लगा दिए, शरबत घोल दिया, इजी चीजें कर लेते हैं ना। ये सबसे आसान का तरीका, मैं अभी यही पूछने वाला था कि मर्द हज़रात में से ज्यादातर लोग जो है ना, 90% लोग जो है ना, वो क्या करते हैं कि सिर्फ शरबत को घोलते हैं। देखिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल शरबत होता है, कितनी गर्मी है। ये बात तो है, ये बात तो है। तो हम सबसे अच्छी चीज दे रहे हैं, अच्छी चीज दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और मर्दों की शान हो, फिर आन हो, फिर बात हो, फिर शोएब के साथ इतनी सारी बातें हो रही हो, और इसी के साथ साथ हम कुकिंग की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से हमने स्टार्ट करना। शोएब इधर आ जाएगा, ओके, और मैं इधर आ जाता हूँ। स्विच कर ली हमने जगह जी। और आज हम आपको फिर बताएंगे कि आपके घर पे पकोड़े बने। यस, एक मिनट में चल जाता है, खुशबूदार।
बेसिकली वो खुशबू जो है ना वो कहाँ से आती है, इन्हीं चीज़ों से आती है। ओके लेकिन इसको जो है ना मसलने से आती है। ये प्याज आ गया, ये हरी मिर्ची आ गई, ये हरा धनिया आ गया, ठीक है, और ये थोड़ा सी हल्दी आ गई, लहसुन का पेस्ट आ गया, लाल मिर्च पाउडर आ गया, ठीक है जी, हल्का सा नमक इसमें शामिल कर दिया आपने, और चाट मसाला एंड थोड़ा सा गरम मसाला। एंड ही इज वेरी एक्यूरेट, तो आपने ये नहीं करना कि आपने भी पूरी पूरी मुट्ठी भरनी है, इनको तो पता है रेसिपी कार्ड है, उसके फॉलो करना है। अच्छा, इसे आपने मसलना है, ठीक है। जब ये काम आप करेंगे ना तो आपके पकौड़ों में जो खुशबू होगी, वाह वाह, आपके मुंह के करीब आते आते वो बताएगी कि वाकई हम पकोड़ा खाने जा रहे हैं। है ना, अक्सर जब खुशबू आती है साथ वाले घर से, मेरा फर्ज हो गया कि वहां से पकोड़े आने भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको हम थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ा देते हैं, ठीक है जी, और जब तक ये गर्म हो रहा है। अच्छा शुभ, ये हम इसको जो बना रहे होते हैं ना, इनमें बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जो आपके खाने को मज़ेदार बना देती हैं। चीज़ें वही होती हैं, मैं बनाऊंगा अलग टेस्ट आएगा, आप बनाएंगे अलग टेस्ट आएगा। हाथ हाथ का फर्क, हाँ नहीं नहीं, हाथ हाथ का फर्क नहीं, थोड़ा टेक्निक का फर्क। टेक्निक जैसे ये मैंने मसल दिया ना इसको अच्छी तरह से, सही, इसकी खुशबू दुबाला हो गई। अब आपके पकौड़े बनेंगे तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के बनेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा बेसन ऐड कर दिया। बेसन तो ऐड कर रहे हैं, मैं साथ साथ जानना आपसे ये भी चाह रहा था कि अब गर्मी में तो हम देख रहे हैं कि हम दस्तरखान पे आइटम्स बदलते जा रहे हैं, तो पकोड़े लेकिन फिर भी पसंद है। पकोड़ा पकोड़ा है, अकोड़ा पकोड़ा जो है ना वो मैं अपनी ज़बान में उसको अकोड़ा पकोड़ा कहता हूँ। वो कहते हैं दस्तरखान इज इनकम्प्लीट विदाउट पकोड़ा, दैट्स स्पेसिफिकली इन रमजान। देसी लोगों के लिए अकोड़ा पकोड़ा जो है ना उसके बगैर जो है ना वो अफ्तार अधूरा, अफ्तार अधूरा है, ठीक है। और मेरे लिए तो खास तौर पर मैं पकोड़े के बगैर रह नहीं सकता है, और पकोड़े भी मुख्तलिफ होने चाहिए, कभी बेसन का पकोड़ा तो कभी माश की दाल का पकोड़ा तो कभी मूंग की दाल का पकोड़ा, मुख्तलिफ किस्म के पकोड़े जो है ना वो आप बना सकते हैं। छिलके वाली जो दाल होती है, सही, उसके पकोड़े भी बड़े मज़ेदार बनते हैं। कभी अच्छा, मैं तो आज तक यही देखता रहा था कि पहले बेसन में पानी डाल के बेसन खोलते हैं, लेकिन ये नया भाई, ये देखें एंड पर डाल रहे हैं, बेसन और सब्जियां जो भी हमने डाली है ना वो आपस में मिक्स हो गई, उनकी दोस्ती हो गई, उनकी मोहब्बत बढ़ी, आखिर शादी तक बात पहुंच गई। सही। उसके बाद जमाने का दुश्मन पानी जो बीच में आ गया, उसने कहा ओए मैं नहीं आने देंगा, ओए छोड़ दिया ओए, तो फिर वो ये जब पानी आ गया बेचारा तो बीच में इसको जो है, मैं इसलिए बार बार जरा रिपीट कर रहा हूं ताकि टेक्निक्स ना हम समझते जाएं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये हमने इसमें पानी शामिल कर दिया और पकौड़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स किया, और अभी तक चिवड़ा डाला नहीं है जी। और इसे आपने ना तकरीबन कोई एक से डेढ़ घंटे मिक्स करके प्लास्टिक लगा कर छोड़ दें, ठीक है, प्लास्टिक की जो फिल्म आती है ना उसे लगाएं, उसको छोड़ दें, उसके बाद फिर आपके मोहब्बत परवान चढ़ती जाए, फिर उसके बाद ये जबरदस्त पकौड़े बने। तो इसलिए अभी हमारे पास तो होता है टाइम कम, ठीक है, तो हमारे पास टाइम कम होने की वजह से हम इसे जल्दी जल्दी बनाएंगे, लेकिन आपके पास टाइम होता है ज्यादा तो आपने क्या करना है, इसे छोड़ देना। अब आ जाते हैं चिवड़ा, बेसिकली चिवड़ा क्योंकि ये तो है चिवड़ा पकौड़ा। हाँ हाँ, चिवड़ा आ गया इधर बड़े प्याले में, सही, ठीक है। और अब आ जाते हैं टेक्निक की तरफ, और टेक्निक क्या है वो ये है कि पकौड़ा उठाया आपने, इसमें लगाया थोड़ा सा चिवड़े में, ओके, यानी चिवड़ा मिक्स नहीं किया, नहीं किया, जस्ट लाइक ब्रेड क्रम्स आपने ऊपर लगाया और ये फ्राई हो रहा है, ठीक है ना, बस ऐसे ऐसे। और आप इमेजिन करें कि अभी अफ्तार में बहुत सा वक्त बाकी है और इस वक्त खुशबू भी आना शुरू हो गई है जी, और वाकई खुशबू आना शुरू हो गई, पहला पकौड़ा डला है, पहला पकौड़ा डला है, और इसकी खुशबू तकरीबन इंशाल्लाह मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ आप ना इसे बराबर वाले कमरे में महसूस करेंगे, बल्कि दूसरे वाले कमरे में महसूस करेंगे, तीसरे वाले कमरे में, सही, यानी कितना महसूस होगा कि आपके रोजा जो है ना वो पक जाए बिल्कुल। और वो जो कराची में जिस तरह अपार्टमेंट्स ही अपार्टमेंट्स, हाँ, पूरी बिल्डिंग में ये खुशबू, बिल्डिंग रच बस जाएगी इसकी खुशबू से, तो इस तरह से बाहर गुजरती हुई ट्रैफिक कहेगी कि इस बिल्डिंग में बन रहे हैं चिवड़ा पकौड़ा। आजकल वैसे शुभ क्या मसरूफियात हैं आजकल, क्या कर रहे हैं आजकल, क्योंकि रमजान में हम प्रोग्राम नहीं कर रहे, अच्छा ठीक, तो हम न्यूज कर रहे हैं, ठीक है, न्यूज का कोई शो बनाया आप लोगों ने, नहीं न्यूज बुलेटिन कर रहे हैं, अच्छा न्यूज बुलेटिन, अभी कुछ एक सरप्राइज भी हमने एक प्रोग्राम भी करना है, अच्छा वो अभी सरप्राइज है, वो भी सरप्राइज है, वो भी सीक्रेट है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे शोज में आपको एंकरिंग करने का मजा आता है या न्यूज कास्टर का ज्यादा बेहतरीन है, या फिर आप कोई एक्टिंग वगैरह भी शौक रखते हैं? मुझे लगता है मैं एक बड़ा अच्छा सना एक्टर हूँ, रैप्ड इन एक्टिंग, लेकिन अंदर बहुत कुछ आ रहा है, क्योंकि मुझे जब मैं सोशल इश्यूज की बात करता हूँ तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है।
डीपली उनमें जाके इन्वेस्टिगेट करके, प्लस मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, लेकिन अच्छा। इस तरह नहीं, मुझे सिर्फ घूमना फिरना, मुझे वहां जाकर वहां की सकाफत ही नहीं, वहां के मसाइल विद सॉल्यूशंस उस पर बात करने का मजा था। फॉर एग्जांपल मैं कुछ दिन पहले हिंगोल नेशनल पार्क, मेरा ख्याल है फॉर द फर्स्ट टाइम हमने इतना डीपली उसे कवर किया था, तमाम उसके गाँव और उनके मसाइल, तो मुझे बड़ा मजा आया। ठीक है, तो हमारा शो भी ऐसा ही था जिसमें हम सब कुछ कर रहे थे, उसमें एंटरटेनमेंट भी थी, उसमें न्यूज भी था, उसमें इश्यूज भी थे, पॉलिटिक्स भी थी, तो हेल्थ भी थी, तो अभी हेल्थ की बात हो रही है, तो ये पकौड़े बन रहे हैं। पकौड़े कितने हेल्दी हैं ये तो आप मुझे बताया ही नहीं। मैं इधर आ जाता हूँ, ये जब बार स्विच करते जाएंगे, इसलिए मैं चेंज होता रहता है ना मामला, तो वो अब आपको बता दूं कि अगर हाथ आपने खराब नहीं करना है, ठीक है, पकौड़े आपने पकौड़े का बैटर बना लिया, उसके बाद चेवड़े पर डाला, चमचे से इसको टर्न कर लें, ठीक है, ये देखें, इससे आपके आसानी से इसके ऊपर जो हम चेवड़ा लगाना चाह रहे हैं ना, तो वो आपके, लेकिन बाकी चीजें हाथ से करनी है, ये चीज जो अगर आप चम्मच से नहीं करना चाहते हैं तो चमचे से कर लें, तो इससे क्या होगा कि पकौड़ों पे अच्छी तरह से ये चेवड़ा लग चुका होगा, जबरदस्त, ठीक है, उसके बाद आप फ्राई के लिए डाल दें जी, ठीक है। और अगर कोई चाहता हो, जिससे कोई आलू का बहुत शौकीन है, वो चाहता थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं इसमें आलू भी, हां बिल्कुल, आलू बलालू जरूर डालें इसके अंदर, और जो जिसने दिल में डाले आलू, अच्छा मेरी हर चीज का एक नाम होता है, जैसे अंडा का फंडा, ओके, आलू, आलू बलालू, बलालू और अकोड़ा पकोड़ा आपने नए नए नाम आपको सुनने, ये तो बड़े मजे के नाम हो रहे हैं, नाम अच्छे हैं ना वैसे, ये जबरदस्त है। अच्छा बचपन में ना वो जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना, वो बच्चों को इसी तरह के नाम दिया करते थे, तो आजकल वो, और वो खिलाते भी, ये लो आलू बलालू खा लो, खा लो इस तरह से, तो वो चीजें खत्म होती जा रही है दुनिया में से, मोहब्बत कम होती जा रही है। खूबसूरत पकौड़े ना, मुझे लग रहा है कि ये तो अगर माँ कहेगी ना बच्चों को भी खाना, तो बच्चे इनकार नहीं करेंगे, कभी इनकार नहीं करेगा, होगा वाओ लाओ बेटा लाओ, हम खा के दिखाते हैं आपको किस तरह, वो एक नहीं वो दो नहीं वो ये पूरी पूरी ट्रे खा जाएगा, खा जाएगा, और इंशाल्लाह इतना मजेदार, इतना क्रंची क्रिस्पी पकौड़ा बनता है, ये ठंडा होने के बाद भी क्रंची और क्रिस्पी रहेगा मेरी तरह बिल्कुल। अच्छा ठीक, तो हम देखते हैं कितना क्रंची है ये, ठीक है जी, और ये देखें, लेकिन आप देखें आप इस स्टिक से उठा रहे हैं, आप मुश्किल में डाल रहे हैं, हमें नहीं उठाया जाएगा, काम असल में मैं इन ममालिक में ज्यादा रहा हूँ ना, जापान में, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ब्राजील, तो इस जगहों पे रहने वाला बंदा जो है ना वो स्टिक को रोजाना फॉलो करता है, बना रहा होता है, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है ये। आप कभी इस्तेमाल किया? नहीं कभी भी नहीं किया। आइए करें, चले आज कोशिश करते हैं जी। वाह ये तो पहली दफा में उठा लिया आपने, ये तो मसला हो गया, अल्लाह ने इज्जत रख ली, वापस पकौड़ा दोबारा उसमें टिप हो गया, लेकिन चले फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नहीं। आइए मैं आपको बताता हूँ, असल में इसको उठाने का जो तरीका कार है ना, इसको पकड़ने का वो सीख लें। ओके ये देखें, ये मैंने इसको पकड़ा हुआ है, ये मेरी उंगली देख लें, सही है, पहली स्टिक जो है वो ऊपर वाली दो उंगली और अंगूठा, ठीक है, नीचे वाली दो उंगली ये वाली बीच में होगी, सही है, इसको सेपरेट करने में, ठीक है, और ये इस तरह से, ठीक है, ये देखें, अब ये चलेगा कैसे, ये देखें इस तरह चलेगा, ओके गॉट इट, अब इसको आपने डाला, कुछ ऐसे था जो मैं समझ पाया हूँ, नहीं कुछ ऐसे था, हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे था, हाँ नहीं चलें जी, कुछ ना कुछ कर लिया, कुछ ना कुछ कर लिया, कुछ कर लिया, यानी कि मैं समझता हूँ कि जो शोएब के पास ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों से शोएब के घर वाले सब यही कहते हैं, उनसे गुजारिश है कि शोएब जब घर वापस आए तो इनसे कहें कि आज का पूरा तार शोएब आप बना कर खिलाएंगे, अगर इफ्तार में टाइम लेट हो जाएंगे तो फिर इनसे सहरी पूरी बनवा लीजिएगा, ठीक है। ओके तो अभी ये नहीं पता कि जाते जाते मैंने कह देना कि सब कुछ मैं साथ लेकर जा रहा था, मुझे घर जाके बनाना पड़े, ठीक ठीक ठीक। अच्छा तो बहरहाल ये सारी चीजें इंशाल्लाह आप हमारे प्रोग्राम में, तो ये देखिए आप मुझे तो कह रहे हैं कि आपने बल्कि मैसेज भी दे दिया घर वालों को कि मुझसे बनवाएं, लेकिन मुझे ये बताएं कि सिंस यू लव योर वर्क एंड यू डूइंग इट वेरी ग्रेट, तो घर पे भी कभी ऐसा होता है कभी-कभार, कभी-कभार इत्तेफाक की बात है कि ये ना हो ना कि मेहमान आए और कहे आपके हाथ का ही कुछ खाना, ऐसा होता होगा ऐसा, हाँ बिल्कुल कहते हैं, और मैं बहुत सारी टाइम पे बना भी लेता हूँ, लेकिन अक्सर ये होता है कि इत्तेफाक की बात है, मैं बड़ा खुशनसीब इंसान हूँ जिसको अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतें नवाज दी हैं, जिसका जितना शुक्र अदा करें काम वो ये कि मेरी वाइफ खुद भी शेफ है। ओके जबरदस्त। अच्छा शेफ होने का फायदा मुझे ये है कि मैं अगर घर पे ना भी बनाऊ ना तो मुझे वो शेफ वाला खाना जो है ना वो मिल जाता है, वो मिल जाता है, ठीक है घर से, और जो भी अच्छा पाकिस्तानी डिश हो या
पर देसी डिश हो, सही हर तरह के जो खाने वो हमें। लेकिन देखें अब दो शेफ एक घर में, हाँ नुक्ता सीधी तो नहीं होती रहती, ये सही नहीं बनाया, अच्छा, इसमें ये नहीं किया। उनका काम घर प्यार मोहब्बत बहुत है, प्यार मोहब्बत बहुत है माशाल्लाह से, इसलिए कि 22 साल हो गए शादी को माशाल्लाह, और माशाल्लाह अब काफी 22 साल बहुत होते हैं, बल्कि 22 नहीं 25 हो गए होंगे, मैं जरा इतने साल हो गए कि भूल रहा है, भूल रहा है। अच्छा तो शोएब को हम देंगे काम, और वो है ये टिश्यू का, और इसे शोएब जो है किसी प्लेट पे लगाएंगे, ताकि शोएब को ये पता चल सके जब घर पे पकोड़े बने, भाभी बनाएं या वालदा बनाएं, तो उनको पता होना चाहिए शोएब को कि ये टिश्यू क्यों लगाया जाता है, इसलिए कि जो पकोड़े में ऑयल एक्स्ट्रा हो, वो ड्रेन हो जाए। देखा मुझे कुछ कुछ मैं जल्दी सीख रहा हूँ। आप फिक्र न करें, मुझे कॉल पे बात हो गई थी आपके घर वालों से, अच्छा मैं कहा इतना सिखा कर भेजें कि ये आकर अब समझ आई मुझे, उन्होंने कहा था आज आराम से आना, सीख के तसल्ली से आना, कोई जल्दी आने की जरूरत नहीं है, जल्दी नहीं है, ठीक है जी। अच्छा इसको हम बेहतरीन कलर में उतारेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर कलर नहीं देंगे इसे, ये देखें पकौड़े का कलर देखें, हम काले काले नहीं होने चाहिए, ठीक है, पकोड़ा जस्ट राइटली कुक्ड इस तरह का करंची सा, ऊपर से इसके पापड़ी टाइप के जो है ना, जो वो अपना चेवड़ा है वो नजर आ रहा हो, उफ उफ, बस इसको चटनी में लगाएं और खा जाएं अभी नहीं, अफ्तारी के बाद, ठीक है, इसको हम करीब कर लेते हैं, ठीक है, और इसे हम डिश आउट कर लेते हैं, इसे हम थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे, वो भी हम देखेंगे कि भाई शोएब के अंदर जो है ना कलर की जो है ना नॉलेज कितनी है, और शोएब जो है ना कलर के बारे में कितनी, यानी कि इनके अंदर टैलेंट है, टैलेंट जो है वो कैसा है, टैलेंट जो है वो कैसा है, वो कैसा होता है टैलेंट, आप दिखाता हूं मैं आपको। आज ये उस्ताद जो है ना इम्तिहान में मेरा लेंगे, लेकिन अच्छा मुझे ये बताएं कि ये चेवड़ा इट्स स्टिल ऑफ द सेम कलर, हाँ, है इसका कलर नहीं बदला, क्रिस्पी हो चुका है, क्रिस्पी हो चुका है, टैलेंट शोएब के अंदर कूट 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 के भरा हुआ है, कि कैसे भरा हुआ है ये मैं जरा अभी देखना चाहूंगा, और उसके लिए हम क्या करेंगे कि शोएब को एक देंगे प्लेटर, और ये आ गया प्लेटर, ओके शोएब, और ये आ गई सब्जियां, ठीक है शोएब, इसके लिए आपने अक्सर टीवी पे देखा होगा कि शेफ जो है ना वो एक प्लेट के ऊपर जो भी चीज निकालते हैं उसके ऊपर थोड़ी गार्निशिंग वार्निशिंग करते हैं, तो मुझे इसकी गार्निशिंग करनी है, नहीं इस पे करनी है, और हाँ। फिर पकौड़ों को इसमें रख देना, अच्छा इसलिए कि पकौड़ों के ऑयल तो निकल जाएगा, ठीक है, हाँ तो फिर अल्लाह मालिक है, हाँ अल्लाह मालिक, जब तक हमारा अल्लाह मालिक है जब तक शोएब इसकी गार्निशिंग कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी इज्जत रह जाएगी थोड़े जी, उम्मीद है कि आपने किसी और जगह इस्तेमाल नहीं करा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं, वाह जबरदस्त आइडिया है, अच्छा आइडिया है शोएब का, गुड काउंट, यस ओ वाओ, रेड कलर लगा दिया, अब ग्रीन पे आ रहे हैं, ओके तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, शोएब आखिर किनारे पे पहुंच चुके हैं, और मैं इन्होंने ग्रीन की तरफ से लाइन खींची, और इसके बाद ये आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद इन्होंने खीरा रखा, इसके बाद इन्होंने पकोड़े उठाए, चौड़ा पकोड़ा आगे की तरफ बढ़ा, चौड़ा पकोड़ा आगे बढ़ रहा, आगे बढ़ रहा है बहुत तेजी के साथ, और शोएब इसको घुमाते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, और सोच रहे हैं कि ये क्या चीज है, ये पकौड़ा है, ये इतना क्रिस्पी क्यों है, ये इतना क्रिस्पी नहीं था, ये अब क्रिस्पी हो चुका है, खाते हुए इनको महसूस हो रहा है, दिल चाह रहा है इसको खा लूं, लेकिन सोच रहे कि नहीं रोजा तो है, रोजे के बाद खाऊंगा, लेकिन सोच रहे कि गर्म ठंडा कैसे हो जाएगा, फिर इसको गर्म कैसे करेंगे, फिर ये सोच रहे कि ओवन में गर्म कर लेंगे, ये सोचते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं, और टाइम हो गया है ओवर, चलते हैं चलकर रेसिपी कार्ड देखते हैं, हरियाली चेवड़ा पकोड़ा, अज्जा बेसन 300 ग्राम, चेवड़ा आधा कप, लसन पेस्ट एक खाने का चम्मच, प्याज चॉप्ड एक अदद, लाल मिर्च पाउडर एक खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर एक चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर एक चाय का चम्मच, हरा धनिया चॉप्ड आधी गड्डी, हरी मिर्चें चॉप्ड 2 से 3 अदद, तेल फ्राई के लिए, नमक हसबे जायका, तरकीब बेसन लहसुन पेस्ट, प्याज लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हरा धनिया, हरी मिर्चें और नमक को एक मिक्सिंग बोल में डालकर हसबे जरूरत पानी के साथ गाढ़ा बैटर तैयार कर लें, आखिर में चेवड़ा शामिल करके मिक्स कर लें, पैन में तेल गरम करें और पकोड़ों को दरमियानी आंच पर फ्राई करके टिश्यू पेपर पर निकालें ताकि इसका सारा ऑयल जज्ब हो जाए, सॉस या चटनी के साथ सर्व करें। सेव चाट अज्जा, सेव रेडीमेड एक पैकेट, प्याज चॉप्ड एक अदद, टमाटर चॉप्ड 2 अदद, सफेद चने बॉयल
एक कप। चाट मसाला हसबे जरूरत, नमक हसबे जायका। तरकीब, मिक्सिंग बोल में सेव, नमक, प्याज, टमाटर, चने मिक्स कर लें और चाट मसाला छिड़क कर सर्व करें। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और आपने रेसिपी कार्ड देख लिया होगा, चिवड़ा पकौड़ा भागता हुआ तेजी के साथ कॉर्नर पे पहुंचा और शोएब ने इसको आखिरकार दबोच लिया और ये जो है चिवड़ा पकौड़ा तैयार हो चुका है। और ये देख सकते हैं आप कलर, इसकी खूबसूरती और मार्क्स नहीं दिया आपने। मार्क्स इसमें से 100 में से 120 मार्क्स जो है आपको मिल चुके हैं और आप जीत चुके हैं। और इस वक्त जो है हम जा रहे हैं एक और रेसिपी की तरफ और उसका नाम है चाट। और ये है मेरी फेवरेट रेसिपी। अच्छा ठीक है, ये मैं चाहूँगा कि सिंपल है, बिल्कुल सादी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो उसे हम शोएब के हाथ से बनवाएं। ठीक है जी, टाइम हम आपको गाइड करते जाएंगे और आप इसे बनाते जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले शोएब इसके अंदर जो है ना चने मिक्सिंग बॉल में बॉयल्ड चने रात को भिगो दिया, सुबह तक बॉयल्ड कर लिया इसे। इसमें टमाटर, टमाटर और आपने ये नहीं बताया बॉयल आपने कितनी देर कर इसको भिगो दें और उसके बाद सुबह इसको बॉयल करें, सॉफ्ट बॉयल इसको कहते हैं। और उसके बाद इसे इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि रात को जब चने भिगोएं तो धोकर भिगोएं, उसमें थोड़ा सोडा डालकर भिगोएं और उसी पानी में बॉईल करें तो आपके चने बड़े मजेदार और वाकई बहुत खिले खिले अच्छे खिले 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 खिले। ठीक है, अब इसमें आपने थोड़ा धनिया डाल देना है और याद रखिएगा हमेशा चना चाट उस वक्त बनाएं जब इफ्तार से आधे एक घंटे पहले, इसलिए कि जो धारा धनिया या टमाटर या प्याज जो है ना वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो 4-6 घंटे पहले बनाकर ना रखें कभी भी चाट को, कम अज़ कम 1 घंटे पहले बनाएं और उसे इस्तेमाल करें। देखिए हम बना रहे हैं जी, अभी सिर्फ इसमें चना, हाँ, धनिया और टमाटर डाले। अब इसमें प्याज डलेगी और मुझे याद आ गया कि आपने पकौड़ों के लिए कहा था कि पहले बना के रखना है लेकिन चाट आपने बनानी है। बिल्कुल हाँ, ठीक है जी, ये सारा डाल दें, सारा डाल देते हैं। बिल्कुल ओके, ठीक है। अच्छा ये मैंने थोड़ा सा आइडिया ये देना है आपको कि इसे आपने लेना है 2 चमचे, ठीक है, ठीक है। और ये वाला चमचा हटा लें और मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये मिक्स है, इसमें चाट मसाला ओके, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डली हुई, इसको आपने मिक्स किया और आप इसको 2 चमचों से मिक्स करेंगे ओके, ठीक है। कैसी खुशबू आ रही है? बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। चाट मसाला और क्या था सॉरी आप ऐड, चाट मसाला, नमक, नमक और लाल मिर्च पाउडर ओके, वंडरफुल। बस इससे ज्यादा कुछ ना डालें, इससे बेहतरीन आपकी चाट बनेगी। इट्स रेडी। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूँ और वो आइडिया ये है कि हम इसे ना किसी आइसक्रीम कप पर अगर हम निकालें ओके, तो इसका सिंगल सर्विंग अगर करते हैं, बच्चे जो है ना वो हर चीज को खूबसूरत देख कर, खूबसूरत हो तो खा लेते हैं, हाँ, इसलिए कि रोजा भी उसी वक्त बच्चे रखते हैं, शर्त होती है उनकी कि मजेदार चीजें होनी चाहिए। अगर इस तरह से हम अगर चाट को निकालें, ये देखें कैसा लगा है शोएब ये आइडिया? ये बहुत मुझे इसलिए अच्छा लगा, बहुत इजी था और ये वाकई में बना लूंगा, और अगर मैं कहीं जाऊं और मुझे कोई कह के बनाना है तब भी बना दूंगा, इजी है यार। आप यकीन करें सिर्फ हम कुकिंग जो है ना बेसिकली आइडिया है, यस आइडिया का गेम है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी पहाड़ी भी बना दें ओके, हाँ यस, तो इससे ना इसकी खूबसूरती और दोबाला हो जाएगी। देख लें मैंने कितना चीज सिखा दिया आपको, मैं बताता रहा हूँ उस्ताद मान लिया। असल में आपको वादा किया था ना घर वालों से कि जब हाँ, वो जो घर वालों से वादा आपने किया था आप उसे वो निभा रहे हैं जी, ठीक है। आखिर में क्या पता मैंने भी कोई आपसे वादा ले लिया, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या करना है आपने, ये हो गया चाट हमारी चली गई इसमें ओके, ठीक है। अब इसको और खूबसूरत बनाने के लिए और टेस्टी बनाने के लिए इस पर आपने क्या करना है के वो है आपके पास चिवड़ा ओके, ये आखिर में डालना है, ठीक है। ये चिवड़ा है, हाँ चिवड़ा है, चिवड़ा है, नहीं सॉरी निमको, मैं परेशान हो गया, सेव 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 है ये ओके, ये डाल दूं? हाँ डालें बीच में, सेंटर पे डालें, हाँ ये कलर और डालें जी, और डालें बस, ठीक है। अब दूसरे में डालें, अब येलो पे जो है ना ग्रीन कलर बहुत उठ के आता है, yes. तो थोड़ा सा बीच में सेंटर में, नहीं हाथ से, हाथ से बीच में सेंटर में, yes. पहाड़ी के ऊपर कटी पहाड़ी। अब आपको मैंने जो है ना 2 चीजें सिखाई, एक आपको कुकिंग सिखाई, एक आपको मिक्सिंग सिखाई और एक गार्निशिंग भी सिखा दी। ये तीनों जो है कुकिंग के बेस होता है, ये अगर इंसान सीख जाए
तो कुकिंग कर सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। ओके, ये जो है ना शोएब की स्पेशल चाट तैयार हो गया। इसका नाम भी ये है कि शोएब स्पेशल चाट, आज मैंने इसका नाम भी रख दिया, ठीक है। आज इसका नाम हो गया शोएब स्पेशल चाट। चाट आप जहाँ जाएंगे किसी बड़े स्टोर पे आपको ये अवेलेबल होंगे कुछ अर्से के बाद, कुछ अर्से बाद मैं शायद सोच लूं, ठीक है। तो ये हम इसको आगे कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं वॉल्स क्रीमी डिलाइट की तरफ, और मजेदार वॉल्स क्रीमी डिलाइट बहुत जो है इतने मजे किए, तो देखते हैं उसमें और हम क्या है। हम पहले रेसिपी कार्ड चल के देख लें जी, रेसिपी कार्ड देखकर वापस आते हैं फिर बनाएंगे वॉल्स क्रीमी डिलाइट। सेव चाट अज्जा, सेव रेडीमेड एक पैकेट, प्याज चॉप्ड एक अदद, टमाटर चॉप्ड दो अदद, सफेद चने बॉयल एक कप, चाट मसाला हसबे जरूरत, नमक हसबे जायका। तरकीब, मिक्सिंग बोल में सेव नमक प्याज टमाटर चने मिक्स कर लें और चाट मसाला छिड़क कर सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन, और आपने चाट देख लिया, बहुत सिंपल चाट हमने, जादू है बिल्कुल सिंपल। अच्छा आज मैं एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देने जा रहा हूँ जो आपके बेहद काम आएगी, और इंशाल्लाह जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त आप समझ लेंगे ये बहुत काम की बात है, सिंपल सी बात है लेकिन ये आपके बेतहाशा काम आएगी। सबसे पहले मुझे ये जैपनीज़ मेरे टीचर ने मुझे सिखाई थी जो आज तक मेरे जहन में है, और इसीलिए मैं काम को बहुत आसानी से करके निकल जाता हूँ। और इसकी वजह यह है कि जो भी चीज़ आप बना रहे हो, आप फर्ज कर लें कि चाट बना रहे हैं, आप पकौड़ा बना रहे हैं, आप दही बड़े बना रहे हैं, आप कुछ बना चार चीज़ें बना रहे हैं, उन चारों चीज़ों के अज्जा एक कागज़ पर लिख लें पहले, और उसके बाद उस अज्जा में से देखें कि घर पे क्या क्या चीज़ें हैं। दही है नहीं है, बेसन है नहीं है, माश की दाल है नहीं है, तो जो चीज़ें आपके घर पे हैं उसको अलग कर लें, जो बाहर से आपने मंगवानी है एक ही दफ़ा मंगवाएं, ताकि वो बार बार आपको या आपका मजदूर या आपका नौकर, सब इंसान हैं, सब रोज़े भी रखते हैं, तो बार बार जाकर परचेज़ करने से बेहतर एक दफ़ा परचेज़ करें, सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठे करें, उसके बाद कुकिंग करें स्टार्ट करें, तो आप देखिएगा आपकी बहुत सारी रेसिपीज़ फटाफट तैयार हो जाएंगी। एक में आपको चार घंटे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि चार घंटे में आठ रेसिपीज़ बन सकती हैं, सहूलत बड़ी हो जाएगी। ये कैसा आइडिया मैंने दिया, ठीक है। ये हमें सबसे पहले बेसिक जो चीज़ सिखाई जाती है कुकिंग के दौरान, तो वो बेसिकली यही सिखाया जाता है कि प्रिपरेशन उसके बाद कुकिंग, आप तैयारी पूरी करें उसके बाद कुकिंग शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आपका खाना बहुत ही अच्छा। आज की खास टिप रमजान की, ठीक है। शेफ गुलजार सिर्फ खाने नहीं बना रहे, वो साथ साथ बेसिक्स भी बता रहे हैं और टिप्स भी दे रहे हैं। इसमें अच्छी बात मुझे ये लगी कि हम जनरली कहते हैं मर्दों को भी काम करना चाहिए, हाथ बढ़ाना चाहिए, स्पेशली रमजान में, कि खवातीन भी रोजे से हैं, लेकिन इसमें अच्छी बात है कि खवातीन को भी ख्याल रखना है मर्दों का, कि बार बार मार्केट ना भेजें और सिर्फ धनिया और पुदीना लेने तो बिल्कुल ना भेजें। एक दफा बता दें आपको क्या क्या चाहिए, ये दोबारा मेरे सामने रख दिए, दोबारा मेरे सामने उन्होंने वॉल्स किया। अब हम आ जाते हैं वॉल्स क्रीमी डिलाइट का, पिस्ता फ्लेवर हमने लिया है और आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं फ्रूटी योगर्ट विद वॉल्स आइसक्रीम डिलाइट, और किन कुल्फा जो है वो हमारे पास मौजूद है, और यहाँ हम लेंगे दो, फिर दो बाउल्स, हाँ, बाउल्स और आइसक्रीम बाउल्स, और एक चीज़ है हमारे पास जो भी फ्रूट इस वक्त सीजन में हो। ओके, यानी वॉल्स क्रीमी डिलाइट्स के साथ आपने जो भी ऐड करना है आप कीजिए, और वॉल्स क्रीमी डिलाइट का मजा दोबाला हो जाएगा, वैसे ही इतना जबरदस्त है, लेकिन स्पाइस अप तो नहीं कह सकते इसको, स्वीट अप कह देते हैं बिल्कुल, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, ये है चीकू। ओके, चीकू, चीकू को दही में डालेंगे, ये बन गया फ्रूट योगर्ट बन गया ये, ठीक है। इसमें थोड़ा चीनी ऐड करना चाहें कर ले, वरना चीकू खुद बहुत ज्यादा मीठा होता है, ठीक है, चीनी ना ही ऐड करें तो अच्छी बात है। मिक्स फ्रूट भी डाल सकते हैं, देखें आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, सेब मैंगो इसके साथ चीकू और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं वो भी डाल सकते हैं, सिर्फ एक से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये आपने मिक्स किया योगर्ट के अंदर, थोड़ी चीनी अगर डालना चाहे डाल लें, इसको बहुत अच्छी तरह स्मूथ मिक्स कर लें, व्हाटएवर फ्रूट यू लाइक जस्ट ऐड इट विद द योगर्ट, ठीक है। और ये दही घर की जमाई हो तो बहुत मिक्स कर लिया, और उसके बाद आपने क्या किया कि वॉल्स क्रीमी डिलाइट किंग कुल्फा को आपने ओपन कर लिया। इसको ओपन करने का तरीका कार ये है, आप इसने एक पट्टी जो होती है उसको आपने निकाला यूं करके, और दूसरी पट्टी दूसरी तरफ से निकलेगी, ये देखें ये निकल आई, इसको खोल लिया आपने, ओपन किया आराम से बिल्कुल, ताकि ये डब्बा ख़राब ना हो आपका, ठीक है। और आइसक्रीम भी बड़ा आराम से निकल, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया कि इसमें आप ये डालें, ओके,
बीच में नीचे रखें जितना आपका दिल चाहता है। और ये स्कूप जो है उसका इस्तेमाल करता है कि बड़ी गोल सी वो निकलेगी। वॉल्स क्रीमी डिलाइट, एक तो वैसे नाम इतना मजे के, ऊपर से निकाल भी इतने मजे से रहे हैं। ये एक स्कूप डाल दिया आपने, एक चम्मच डाला हमने ये चीकू एंड योगर्ट, और अब एक स्कूप डाला है अपने आइसक्रीम का, एक और स्कूप जाएगा, एक और जाएगा। ग्रेट, ठीक है। और मेरा दिल चाह रहा है कि एक और डालूं उसमें। आप को रोक सकते हैं, आपके लिए हम कह रोक सको तो रोक लो, भी तीन स्कूप ये डालेंगे। अच्छा लगेगा ना, पहाड़ बना हुआ, ठीक है। मुझे असल में ये जरा इसमें थोड़ा सा और योगर्ट डाल दें। ओके, अच्छा। शफा जो है हमारे पास फेसबुक पर पूछ रही है कि स्टमक का अगर प्रॉब्लम हो तो क्या खाना चाहिए। दो चीजें ऐसी हैं जो लाजवाब हैं जिंदगी में, आप इसे भूल नहीं सकते। एक चाय का चम्मच इसबगोल की भूसी पानी के साथ मिलाकर ले लें, या फिर ठंडे दूध में तुक मलंगा आधा चाय का चमचा मिलाकर ले लें। इंशाल्लाह ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगी। वैसे भी रमज़ान में तो सहरी अफ्तारी दोनों वक्त आप इनका इस्तेमाल करें, फाइबरस फूड का इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल। और ये आ गया हमारे पास वॉल्स क्रीमी डिलाइट आपके सामने हाजिर है विद फ्रूटी योगर्ट, ठीक है जी। और इसके बाद ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसके ऊपर कुछ ना डालें, मुझे यकीन है डालेंगे आप कुछ। ये आ गया चॉकलेट सिरप, ठीक है। आपको देखता हूं कि गार्निशिंग का कितना शौक है। अच्छा, और डालें और डालें और डालें, थोड़ा सा बस सही है, और दूसरे में डालेंगे और थोड़ा सा मैं इसमें शामिल कर दूंगा आखिर में ड्राई फ्रूट। यस वी गो। अच्छा, एक डार्क कलर और एक लाइट कलर, ये आप जो चूज करते हैं मैं समझ गया हूं, गार्निशिंग के चक्कर में कलर, डार्क एंड लाइट। ये हमने डार्क चॉकलेट चूज किया और ये थोड़ा सा लाइट, ठीक है। ये आ गई हमारे पास जबरदस्ती फ्रूटी योगर्ट और विद वॉल्स क्रीमी डिलाइट किंग कुल्फा के साथ, और चॉकलेट टॉपिंग और ड्राई फ्रूट टॉपिंग के साथ इसे हमने सर्व कर दिया है। ये थी आज की हमारी रेसिपी, और शोएब का शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, इसलिए कि बड़ा लाइवली आपसे जो है ना, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा भी आएंगे हमारे पास। इंशाल्लाह जरूर आएंगे, ठीक है जी। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं ऐसे जाऊंगा, मैं ये साथ लेकर जाऊंगा। बिल्कुल, आप साथ लेकर जाइएगा। जो आपने मेरे घर वालों को मैसेज किया ना कि मैं बनाऊंगा जाके, क्योंकि मेरा सारा टाइम यहाँ पे लग चुका है, आज एक्स्ट्रा है, ये समा की तरफ से एक छोटा सा आपको तोहफा हमारे पास आने का। थैंक यू। और आप भी आ सकते हैं हमारे फेसबुक पर, अपना टेलीफोन नंबर और अपने आइडियाज जरूर शेयर करें। जो रेसिपी आप चाहते हैं बनाना वो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा, और बहुत सारी बातें होंगी। हम इजाज़त चाहेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। और इसके साथ साथ हमारे पास वॉर्स क्रीमी डिलाइट स्पॉन्सर्ड बाय जो है ना फूड स्टेशन विद शेफ गुलजार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। हरियाली चेवड़ा पकोड़ा, अज्जा बेसन 300 ग्राम, चेवड़ा आधा कप, लहसुन पेस्ट एक खाने का चम्मच, प्याज चॉप्ड एक अदद, लाल मिर्च पाउडर एक खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर एक चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर एक चाय का चम्मच, हरा धनिया चॉप्ड आधी गड्डी, हरी मिर्चें चॉप्ड दो से तीन अदद, तेल फ्राई के लिए, नमक हसबे जायका। तरकीब बेसन लहसुन पेस्ट, प्याज लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हरा धनिया, हरी मिर्चें और नमक को एक मिक्सिंग बोल में डालकर हसबे जरूरत पानी के साथ गाढ़ा बैटर तैयार कर लें। आखिर में चेवड़ा शामिल करके मिक्स कर लें। पैन में तेल गरम करें और पकौड़ों को दरमियानी आंच पर फ्राई करके टिश्यू पेपर पर निकालें ताकि इसका सारा ऑयल जज्ब हो जाए। सॉस या चटनी के साथ सर्व करें। सेव चाट अज्जा, सेव रेडीमेड एक पैकेट, प्याज चॉप्ड एक अदद, टमाटर चॉप्ड दो अदद, सफेद चने बॉयल एक कप, चाट मसाला हसबे जरूरत, नमक हसबे जायका। तरकीब मिक्सिंग बोल में सेव, नमक, प्याज, टमाटर, चने मिक्स कर लें और चाट मसाला छिड़क कर सर्व करें।